वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्वेता और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड्स, मुझे काफी लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप अपनी चिमनी का एक डिटेलिंग वीडियो बनाइए, तो आज का वीडियो चिमनी से रिलेटेड है। तो चिमनी की बात करूं मैं तो चिमनी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है मैस फिल्टर चिमनी, एक बफर फिल्टर चिमनी एंड एक ऑटो क्लीन चिमनी। तो मैस फिल्टर चिमनी जो होती है वो इंडियन कुकिंग के लिए सफिशियंट नहीं होती है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगी। बफर फिल्टर चिमनी जो होती है वो पहले ज्यादा चलती थी, उसमें एक स्टेनलेस स्टील का प्लेट होता है, उसमें सारा ऑयल कलेक्ट होता है, बाद में उसको हमको निकाल के रेंडमली वॉश करना पड़ता है एंड उसको ग्रीस जमता है, जिसमें हमको साफ करने के लिए काफी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसके बाद जो एक थर्ड जो चिमनी होती है वो ऑटो क्लीन चिमनी होती है। ये मेरा ऑटो क्लीन चिमनी है। तो ऑटो क्लीन चिमनी में क्या होता है, उसमें जो भी हम कुकिंग करते हैं तो जो भी ग्रीस होता है और स्मोक होता है वो इजिली ये इसमें एब्जॉर्ब होता है और स्विंग करके बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो भी ऑयल बचता है उसमें एक ये स्विच होता है, उसके द्वारा वो यहाँ ऑयल कलेक्टर लगा होता है उसमें स्टोर हो जाता है। और इसकी अगर क्लीनिंग की बात करूं मैं तो क्लीनिंग इसकी काफी आसान होती है। इसकी क्लीनिंग काफी आसान होती है, ये इजिली कॉलिन से क्लीन हो जाता है। ग्लास फिनिश होने के कारण इसको हम कॉलिन से वाइप कर सकते हैं। इसको बस इसको वाइप करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका क्लोथ जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। इसको साफ करने के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लोथ ले सकते हैं, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के माइक्रोफाइबर क्लोथ मिलते हैं। आप उसको लेके इजली इसको आप वाइप करेंगे तो आपको ये एक मिरर फिनिश देगा जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और हमारा चिमनी ऑलवेज नया और चमचमाता रहता है। इस टाइप के ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स आते हैं मार्केट में, बहुत अच्छे होते हैं ये, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए ऑयल कलेक्टर होता है, इसमें देखेंगे आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए कितना सारा इसमें ऑयल ग्रीस की तरह चिपक गया है। इसको वॉश करने के लिए आपको बस पानी लेना है और डिश वॉशर से ईजली आप इसको रब करेंगे तो ये क्लीन हो जाता है। और इसको इतनी जल्दी जल्दी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप मंथ में 1 मंथ 2 मंथ में एक बार भी आप इसको निकाल के क्लीन कर देंगे तो हमारी चिमनी क्लीन रहती है। ये आपको मैं दिखाऊं तो देखिए मेरे को क्लीन करने के बाद ये चिमनी, ये जो ऑयल कलेक्टर होता है बिल्कुल चमचमाने लगता है और बहुत आसानी से ये छूट जाता है। ये देखिए मेरा एकदम ये नया दिखने लगा है और ये आसानी से जाके इसमें फिट भी हो जाता है। इसको आपको बस लेके इसको एक अंदर की तरफ पुश करना है और ये फिट हो जाता है। इसमें एक ये स्विच होता है, इसको हम ऑन करते हैं, पुश करते हैं तो ये ऑन हो जाता है और जितना भी ऑयल होता है तो उसमें एक कॉइल होती है, वो कॉइल सारे ऑयल को हीट के द्वारा पिघला के और सारा ऑयल इस ऑयल कलेक्टर में स्टोर कर देती है। इसकी साइज की बात करूं तो कि आपको किस साइज की चिमनी लेनी चाहिए, तो यदि आपका गैस स्टोव 2 या 3 बर्नर का है तो आप 60 सेंटीमीटर का चिमनी ले सकते हैं। यदि आपका जो गैस स्टोव है वो 4 to 5 बर्नर का है तो आपको 90 सेंटीमीटर की चिमनी ही लगवानी चाहिए। मेरा गैस स्टोव 4 बर्नर का है इसलिए मैंने 90 सेंटीमीटर का चिमनी लिया है। चिमनी लेते समय हमें सक्शन पावर का भी ध्यान रखना चाहिए कि चिमनी का जो सक्शन पावर वो ज्यादा होना चाहिए। मेरी चिमनी का सक्शन पावर 1350 है, ये काफी अच्छा सक्शन पावर होता है। मेरी चिमनी का सक्शन पावर 1350 होने के कारण मैं जो भी फ्राई करती हूँ उसका स्मोक कहीं किचन में नहीं फैलता है, इजिली ये स्विंग हो जाता है। इसके साथ आपको नॉइज लेवल का भी देखना है, ध्यान रखना है कि कहीं हमारी चिमनी का नॉइज लेवल बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो मेरी चिमनी का नॉइज लेवल 58 dB है, जो काफी अच्छा नॉइज लेवल होता है, बहुत ज्यादा नॉइज नहीं होता है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि इसमें हमें कितनी गारंटी एंड वारंटी मिल रही है। तो जो मेरी चिमनी का जो बाकी जो चीजें पार्ट हैं उसमें 1 ईयर की वारंटी है एंड जो मेरा मोटर है उसमें 5 ईयर की वारंटी मुझे मिली है। इसको लगवाने के लिए जो हाइट होती है वो हमारे गैस स्टोव से 2 फीट की हाइट होनी ही चाहिए और जो डक्ट वाला स्पेस होता है जो मेरा इसके पीछे हाइट है वो हमको 8 फीट से 12 फीट के बीच में रखना चाहिए।
जो डक्ट पाइप होता है जब हम परचेस करते हैं तो हमको डक्ट पाइप थोड़ा इतना बड़ा नहीं मिलता है, इसलिए हमें मार्केट से थोड़ी एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। वो 1000 से 1500 के बीच में मिल जाता है। इसके इंस्टॉलिंग की बात करूं तो इंस्टॉलेशन इसका काफी आसान है। आप जिस ब्रांड की चिमनी लेंगे वो कंपनी वाले आके इंस्टॉल कर देते हैं, उनके भी कुछ चार्जेज होते हैं, 1000 के समथिंग चार्जेज होते हैं, लगाना काफी आसान होता है। तो मैं यही कहूंगी, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये चिमनी काफी अच्छी होती है, ये हमारे कुकिंग को बहुत आसान करती है और हमारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है क्लीनिंग का वो भी नहीं होता है। आप अगर ऑटो क्लीन चिमनी ले रहे हैं तो आप इसके दो मॉडल ले सकते हैं, एक ये होता है स्लैंटिंग मॉडल और एक आता है हुड मॉडल। हुड मॉडल में भी आजकल ऑटो क्लीन चिमनी आती है, मेरी ऑटो क्लीन चिमनी स्लैंटिंग है क्योंकि मैंने ना अपने फर्नीचर को देखते हुए मुझे मॉडर्न लुक चाहिए था किचन में, इसलिए मैंने इसको चुना। अगर आप भी मॉडर्न लुक चाहते हैं तो आप स्लैंटिंग चिमनी ले सकते हैं। ऑटो क्लीन का जो प्रोसेस है वो दोनों चिमनी में सेम होता है, हुड वाले में भी एंड स्लैंटिंग में भी। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी बफर फिल्टर चिमनी को रिप्लेस करके ऑटो क्लीन चिमनी ली है। तो यदि आप भी परचेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। मेरा चिमनी फेवर ब्रांड का है, ये बहुत अच्छा ब्रांड होता है, और भी मार्केट में ब्रांड आते हैं तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हाँ ये है कि ऑटो क्लीन चिमनी जरूर लीजिए, काफी हेल्पफुल है ये हमारी कुकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको कुछ जानकारियां मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि वो परचेस कर रहे हो या प्लान कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलती हूँ फ्रेंड आपसे अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।